हाय गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे। एंड अगर आपके घर में बेबी है एंड आप उनके लिए एक परफेक्ट स्ट्रोलर ढूंढ रहे हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कम्फर्टेबल होना चाहिए, साथ ही साथ स्ट्रोलर्स में बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए क्योंकि फीचर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लव लैब ब्रांड के गैलेक्सी स्ट्रोलर के बारे में जो हम हमारे बेटे आयांश के लिए करंटली यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं एंड जानते हैं लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर के बारे में एंड इसके फीचर्स के बारे में। इस प्रोडक्ट का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि ये EN1888 यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो कि सेफ्टी वाइज बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो आप अप टू 15 kg बच्चों तक के लिए ये प्रोडक्ट को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रोलर स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, स्पेस में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं। एंड इस स्ट्रोलर को आप 0 months के बच्चों से 3 साल तक के बच्चों के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रोलर रिवर्सिबल हैंडल के साथ आता है जिसको ऑपरेट करना अगेन बहुत आसान है। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिवर है दोनों तरफ है जिसको आपको ऊपर की तरफ पुल करना है एंड आप बहुत आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं। स्पेशली जब बच्चे क्रैंकी हो जाएं तो रिवर्स ऑप्शन, रिवर्सिबल हैंडल का ऑप्शन यहाँ पे बहुत यूजफुल हो जाता है एंड आप बच्चों को देख करके आसानी से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ आपको 5-point सेफ्टी हार्नेस मिलता है जिसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। ऑपरेट करने के लिए पहले हम इसको खोल लेते हैं, फिर हार्नेस को डालने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ से हम ओवरलैप करते हुए इसको रखेंगे एंड इसके साइड पोर्शन में इंसर्ट करेंगे। एक क्लिक का साउंड आएगा, मतलब वो अच्छी तरीके से बैठ गया है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब आप अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 reclining पोजीशन मिलता है। ये पहला पोजीशन है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं, ये दूसरा पोजीशन है जिसमें बच्चे आसानी से रिलैक्स हो सकते हैं एंड ये तीसरा पोजीशन है जिसमें अगर बच्चों की आंख लग जाए और उनको नींद आ जाए तो बच्चे आसानी से सो सकते हैं, ये है स्लीपिंग पोजीशन। इसके साथ आपको एडजस्टेबल लेग एंड फुट रेस्ट भी मिलता है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर बच्चे काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैठे हों। इस प्रोडक्ट के फ्रंट व्हील को आप 360 degree रोटेट कर सकते हैं जो कि मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा, जिससे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वेल, अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं। इसी फ्रंट व्हील में आपको स्वील्ट लॉक मिलता है जिसको यूज़ करके आप इसको आसानी से ऑफ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों फ्रंट व्हील के सामने आपको ब्रेक मिलता है जिसको यूज़ करके आप आसानी से इसमें ब्रेक लगा सकते हैं। इसके रियर व्हील्स काफ़ी स्मूथ हैं एंड रियर व्हील्स के साथ आपको यहाँ पे एक लिंक ब्रेक मिलता है। लिंक ब्रेक को आप 1 leg को यूज़ करके आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंडेबल कैनोपी मिलता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा, स्पेशली अगर सनी डे है तो आप अपने बच्चों को हैवी सनलाइट की रेस से आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैनोपी के ऊपर आपको यहाँ पे एक विंडो मिलता है तो इन बिटवीन अगर आपको बच्चों को चेक करना है तो आपको कैनोपी हटाने की ज़रूरत नहीं है, विंडो को यूज़ करके आप आसानी से बच्चों को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको सॉफ्ट कुशन सीट मिलता है जिससे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या इवनिंग वॉक पर निकल रहे हैं तो बच्चे क्रैंकी कम होते हैं एंड स्ट्रोलर को एन्जॉय ज़्यादा करते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बास्केट मिलता है जिसमें आप बच्चों के एसेंशियल्स या डायपर बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। स्ट्रोलर के बैक में एक बैक पॉकेट है जिसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है एंड जनरली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आयांश का मॉस्किटो नेट इसमें रखने का काम करते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ आपको काफ़ी स्पेशियस फूड ट्रे मिलता है। फूड ट्रे में दोनों तरफ बॉटल होल्डर है एंड इसको डिटैच करना आसान है। डिटैच करने के लिए एक ब्लैक कलर का बटन है, अंदर की तरफ से पुश कीजिए दोनों तरफ से एंड आप इसको आसानी से डिटैच कर सकते हैं एंड स्पेस आप देख सकते हैं एंड इसको वापस से अटैच करने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है वो होल है दोनों तरफ है, उसमें आप इसके पॉइंट को रखिए एंड इसको नीचे की तरफ से पुश कीजिए। पुश करने के बाद एक क्लिक का साउंड आएगा, मतलब ये ट्रे जो है अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। इस स्ट्रोलर को फोल्ड करने के लिए आप रेड कलर के बटन को अंदर की तरफ पुश कीजिए, हल्का सा ऊपर उठाइए एंड सामने की तरफ खींच करके इसको आसानी से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का जो कनेक्टर है उसको सामने की तरफ यूं इस तरीके से आप लगा दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब आप इसको ईजिली जहाँ पर भी चाहें आसानी से कैरी कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं।
एंड इसको इजिली फोल्ड करके आप कार के ट्रंक में भी कैरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर पे, जो हम हमारे बेटे आयांश के लिए यूज करते हैं। वेल, ओवरऑल मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने बेबी के लिए एक स्ट्रोलर ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये स्ट्रोलर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। इंडिया में मैंने मोस्टली जो रोड देखे हैं वो काफी बम्पी होते हैं, एंड बम्पी रोड में आपको एक स्ट्रोलर की जरूरत पड़ती है जो कि काफी आसानी से आप ऑपरेट कर सके, बच्चों के साथ आसानी से आप ट्रैवल कर सके। तो उस केस में जो स्ट्रोलर है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। आपको ये स्ट्रोलर कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपका इस स्ट्रोलर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये स्ट्रोलर खरीदना हो तो ये अमेज़न पे अवेलेबल है, साथ ही साथ ये लव लैब के साइट पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, जितना भी इन्फॉर्मेशन था मेरे पास इस स्ट्रोलर के बारे में मैं आपको बता पाई, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो डालते रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।